सॉफ्ट क्लोज निकालने के लिए अक्सर ये दिक्कत आती है कि सीट को बस तोड़ने की कहीं कहीं समस्या आ जाती है। इसको निकालने का सही तरीका हम बता रहे हैं। इसको निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पर जो होल दिख रहे हैं, ये दोनों तरफ होल हैं, इसमें लेफ्ट में भी राइट में भी। इसमें सबसे पहले आपको राइट साइड वाला होल को निकालना है। यहाँ से निकाल के पुश करके इसको पीछे की तरफ धक्का के रखना है। पीछे की तरफ धक्का के थोड़ा सा उठा लें। उठाने के बाद यहाँ पे कोई कुशन या तो चिपका दें या रख दें ताकि वापस अपनी जगह पे बैठ नहीं पाए। बैठ रहा है, बैठा नहीं है। मैंने कट लगा के डाल दिया ना, थोड़ी सी मिर्च डालनी पड़ेगी। ये कुशन रखने के बाद अब ये वापस अपनी जगह पे नहीं बैठेगा। अब हमें दूसरी तरीके दूसरी तरफ का इसी तरीके से पुश करना है। पुश करके इसको और ये दूसरी तरफ से उठा लेना है। इधर कुशन किसने डाला, किसने डाली चाबी यहाँ? दोनों तरफ से स्टार्ट, अभी स्टार्ट किया नहीं, हो गई थी निकल गया सही। तो लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि या तो ये गोल होगा या इसके अंदर हो सकता है खांचे नहीं बने हो इसके अंदर। ये ध्यान रखना है कि जब ये जिसमें ये खांचे बने हुए हैं इसके अंदर भी खांचे बने हुए हैं, मतलब ये जो सॉफ्ट को क्लोज है वो इधर का है। ये सॉफ्ट क्लोज जो है ये ऊपर वाले को मेंटेन कर गए। हम दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं, कुछ मॉडल में बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये यहाँ खांचा बना होगा, इस तरफ नहीं बने होंगे। इस तरफ दिखाओ, ये वाला सीट कवर जब इधर जो हाइड्रोलिक लगेगा वो इसको नहीं ऑपरेट करेगा, ऊपर वाले को ऑपरेट करेगा। ऊपर वाला आप निकालोगे तो इसमें देखिए खांचे बने हुए हैं, ये खांचे अंदर इसके अंदर भी खांचे बने होंगे, इसको रोक के रखेगा। लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है आपको, ये होल नीचे की तरफ रहे और पहले ये बैठा, और ये दूसरा वाला होल भी इस तरफ होना चाहिए। पहले इधर का बैठाएंगे जो हमें खांचे मैच करने हैं, ये वाला इससे, ताकि दूसरी तरफ में हमें खांचे नहीं मैच करने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरफ ज़रूरत पड़ेगी आपको। इधर गया और फिर इसको वापस अपनी होल अपनी जगह पे आ गए, तो ये चालू हो गया। आप चेक कर सकते हो। स्टॉप करो।